भाई गजब बुरा हाल हो गया, गजब बुरा हाल। अब सोचो भाई साहब, बंदा पहाड़ों पे जाने की सो, यार इतना वाटर लॉग हुआ पड़ा है, इतनी ज्यादा बुरी हालत है यार। जी बात ऐसी है कि मैं कहीं नहीं निकल रहा हूँ, मतलब बारिश, न्यूज तो सबने देख ली होगा, सब जगह रेड अलर्ट है पहाड़ों पे। सो अभी तो जहाँ तक भाई अपने सोर्सेज भी हैं वो कह रहे हैं फ़ायदा नहीं है, रिस्क रहेगा लाइफ का, एंड कुछ इतना खास आप बना भी नहीं पाओगे क्योंकि बारिश रुकी नहीं रही है। तो बारिश रुकेगी नहीं तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट, है ना। थोड़ा सा मौसम में सुधार आएगा तो निकलेंगे फिर पहाड़ों की ओर। इसलिए पिछले 4-5-6 दिन से तो रेड अलर्ट ही है, इसलिए मेरा वीकेंड का ट्रिप इतना हुआ नहीं, है ना। सो बट ठीक है, अब क्या है कि जब क्योंकि दिल्ली में ही कल मैं सच बताऊं तो 3 घंटे के जाम में फंसा रहा वाटर लॉगिंग की वजह से। सो अब ये कि दिल्ली में ही कुछ देखते हैं देखते क्या है, दिल्ली के प्यारे प्यारे कैफे के दर्शन कराएंगे आपको, है ना। घर पे नहीं बैठा जाता ज़्यादा देर यार, ऑफिस का लैपटॉप है वो अपना कहीं से भी लॉग इन कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। बट हाँ मौसम अच्छा है तो कुछ ऐसे कैफेज हैं बहुत प्यारे प्यारे दिल्ली में भी, सुंदर सुंदर, मतलब अच्छी एम्बियंस है उनकी। तो बस अब देखते हैं क्या रहता है सीन, है ना। सीन तो क्या थोड़ा मिस कर रहा हूँ यार मेरा एक्चुअली ट्रिप तो था हिमाचल, बट बहुत ही बुरी हालत है। इवन जहाँ से अभी आया हूँ कसौली से, वो भी बुरी हालत ही है। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि ये 2 हफ्ते तो लगे जाएंगे क्लियर होने में, तो अपना राजस्थान साइड देखते हैं, क्योंकि ना बारिश वहाँ पे भी है, गर्मी तो नहीं है, और कुछ ऐसे एरिया हैं प्यारे प्यारे जब पहाड़ आते हैं बीच में बड़े तो नहीं बट प्यारे प्यारे। सो राजस्थान कर सकते हैं मीन टाइम, ना मुझे राजस्थान सर्दियों में करता हूँ, तो राजस्थान एक्सप्लोर कर सकते हैं भाई, है ना। तो वही वाली बात है बस चलो देखते हैं, ऐसे ऐसे ही रहेगा छोटा सा ये व्लॉग कि भाई हाँ हम हैं मतलब छोड़ के नहीं गए यूट्यूब तो ये कि मौसम ने बहुत कह डाला इस साल, वेदर डिपार्टमेंट ही कह रहे हैं उन्हें नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, इतनी बारिश, और जो लोग गए हुए फंसे हुए हैं सब परेशान नहीं होना ना, तो बस यही है यार। चलो देखते हैं कुछ शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। भाई गजब बुरा हाल हो गया, गजब बुरा हाल। अब सोचो भाई साहब, बंदा पहाड़ों पे जाने की सो, यार इतना वाटर लॉग हुआ पड़ा है, इतनी ज्यादा बुरी हालत है यार। सब पानी भरा हुआ है, ये देखो बुरी हालत है यार। मतलब इस बार ज्यादा बारिश हुई एंड दिल्ली इज नॉट रेडी फॉर इतनी बारिश, टू बी ऑनेस्ट। वो भाई साहब समुंदर है यार, समुंदर, ओ भाई साहब, ओ शिट यार शिट। ऐसी बारिश तो बहुत, मतलब कह रहे हैं ना 40 साल में, बट दिल्ली इज नॉट रेडी फॉर इट यार। मतलब ये प्रोमेनाड मॉल है और यहाँ पे हालत इतनी खराब हो गई, मतलब पूरा भर चुका यार, एवरीथिंग इज जस्ट, ओह गॉड। Thank you.
बारिश का हाल तो दिखा दिया ना, बहुत बुरा है। तो क्या है कि मॉल में अपना यहाँ चिल करके थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कर लेंगे, है ना। ये मेरी डे टू डे लाइफ है। इतने ख़राब मौसम ने कहा चलो दिखा देते हैं ये भी, कुछ खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। मौसम अच्छा है, मौसम बुरा नहीं है, बट ये है कि पहाड़ों पे जाना बहुत रिस्की है इस मौसम में। ये यार सबसे अच्छा मॉल है पूरी दिल्ली का। फिर जो सवा की बात मैं कर रहा था वो फाइनली चल गई है, बारिश रुक चुकी है, बट रात को फिर होगी, थोड़ा काला 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 सा हो रखा है। हम वही जो शॉपिंग करनी थी वो कर ली, सेल लगी हुई है, साथ भी जाके कर लो, ज़ारा पे भी सेल लगी हुई है एंड अच्छी सेल लगी हुई है, तो करो शॉपिंग जाके। जब ट्रैवल नहीं कर रहे तो शॉपिंग, वैसे मुझे शॉपिंग का ऐसा कोई शौक वॉक तो है नहीं भाई, बट ये है कि चलो कोई नहीं। तो मौसम अब हो गया सही, अब ये वाला मुझे अच्छा लगता है, ऐसे हवा सी चल रही होती है ना प्यारी सी बस अब। और मैं सोच रहा हूँ कुतुब पता नहीं पानी भरा हो, कुतुब वाला एरिया मुझे अच्छा लगता है, मैं वहाँ जाके ज़रूर करूँगा। चलो लेट्स सी, लेट्स होप, देखते हैं। भैया जी कुतुब मीनार के पास पहुंच गए हैं, रात को लग रहा है बहुत जबरदस्त ये। ये है बहुत रईसों का इलाका। हमारे जैसा बंदा कभी कभार यहाँ आ सकता है, दिल्ली आएंगे तो कंगाल हो जाएंगे। मैरोली इसे कहते हैं, रईसों का इलाका। अभी बताते हैं क्यों, अभी दिखाऊंगा भाई। मतलब ऐसा लगता है दिल्ली का पार्ट नहीं है ये एरिया ना, बट चलो जी आज एक्सप्लोर हो रहा है तो अच्छा वाला ही करते हैं ना जी। अन्ना जी है वो जगह डीटास, यही है वो जगह डीटास है, बहुत प्यारी भाई। ऐसे वेदर में जब बारिश रुक गई हो माहौल तो है। यहाँ पे दो तीन है जॉइंट में जगह ना, ये जी अपने मनीष मल्होत्रा जी। जगह बहुत प्यारी है यार, ये थोड़ा सा मतलब देख रहे हो वाइब तो है इस जगह की, नो डाउट। पर ये ना गर्मी के वक्त इतना मज़ा नहीं, सर्दी और ऐसा जब बारिश का मौसम होता है ना ये बहुत बढ़िया रहता है। चलो जी कुछ खाते हैं पीते हैं फिर घर को निकलते हैं।